गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा, वी आर डूइंग सेवन चैप्टर इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल। हम कर रहे हैं सेवन चैप्टर इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल, ठीक है। इस चैप्टर के लगभग अब एंडिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, बट वी रेड आउट अप टू नाउ सिर्फ मेन पॉइंट को टच करेंगे। इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल मेन पॉइंट को टच करें तो यहाँ पे इन द स्टार्टिंग देयर इज अ डिस्क्रिप्शन, इवांस ट्राई टू गिव द एग्ज़ाम ऑफ ओ लेवल जर्मन लैंग्वेज। वो कोशिश करता है ओ लेवल जर्मन लैंग्वेज का एग्ज़ाम देने के लिए, और उस एग्ज़ाम लेने के लिए आता है मैक्लीरी, उसकी सेल के अंदर एग्ज़ाम होता है। एंड प्रिजन अथॉरिटी, इवांस इज़ नॉट एन ऑर्डनरी प्रिजनर, ही हैज़ एस्केप्ड थ्री टाइम्स फ्रॉम द प्रिजन, तीन बार जेल से भाग चुका है। नाउ प्रिजन अथॉरिटी इज़ मेड ऑल द अरेंजमेंट सो दैट ही विल नॉट गेट द चांस टू एस्केप। अब जो अरेंजमेंट की उनमें जो है वो प्रिजन ऑफिसर्स को अलर्ट पे लगा दिया, ठीक है, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। उसकी डी विंग जहाँ पे उसकी सेल थी वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी। और थर्ड वन की अगर हम बात करें तो ऑल द शार्प थिंग्स वर टेकन फ्रॉम हिम्स, जितनी भी शार्प चीज़ें उसकी सेल में थी वो सारी उससे ले ली। एंड द फोर्थ वन, स्टीफन वॉज अपॉइंटेड टू कीप एन आई ऑन इवांस, जी वो इवांस पे एग्जाम के दौरान नज़र रखें। एंड द फिफ्थ वन, ऑडियो प्लेयर वॉज सेट अप इन हिज रूम एंड गवर्नर हिमसेल्फ वॉज गोइंग टू लिसन द ऑल द थिंग्स, वो सारी चीज़ें जो हैं वो सुनने वाला था। तो ये चीज़ सारी अरेंजमेंट हुई, बट इवांस वॉज वेरी क्लेवर, इन स्पाइट ऑफ दिस अरेंजमेंट ही एस्केप्ड। इन सारी अरेंजमेंट के बाद भी वो भाग गया, ही हिट द मैक्लीरी ऑन हिज हेड, उसने मैक्लीरी को उसके सिर पे हिट किया और वो भाग गया। भाग गया मीन्स ही मेड अ वेरी क्लेवर प्लान, नोबडी लिसन दैट पर्टिकुलर थिंग हाउ ही हिट द मैक्लीरी, हाउ ही हिट द मैक्लीरी, मैक्लीरी को उसने कैसे हिट किया एंड हाउ डिड ही took the appearance of a मैक्लीरी, कैसे मैक्लीरी की अपीयरेंस उसने बनाई, क्योंकि ही वॉज एस्केप्ड इन द अपीयरेंस ऑफ मैक्लीरी। जो इवांस भागा ना वो कैसे भागा, मैक्लीरी का की रिजाम्बलेंस के साथ है कि वो मैक्लीरी जैसा बन के भागा और मैक्लीरी को वहीं पे हिट करके जो है वो इंजर्ड कर दिया उसने। एंड ही वॉज नोबडी वॉज अवेयर व्हाट हैपेंड, किसी को अवेयर ही नहीं था कि क्या हुआ। गवर्नर जैक्सन स्टीफन सब सरप्राइज हैं कि भी हाउ इट हैपेंड, ये हुआ तो हुआ कैसे। और अब एट लास्ट सिचुएशन यहाँ आ चुकी है कि कार्टर आता है, फिर वो पुलिस को कॉल देते हैं, कर देते हैं। गवर्नर जैक्सन स्टीफन पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस आती है, पुलिस मैक्लीरी को ले जाती है भाई चलो, बिकॉज मैक्लीरी वॉज सेइंग आई नो वेयर इवांस वेंट, मुझे पता है इवांस कहाँ पे गया। तो पुलिस लेके चली गई मैक्लीरी को। अब गवर्नर डांट लगाता है जैक्सन और स्टीफन पे, तब स्टीफन कहता है सर यू टोल्ड मी टू सी ऑफ द मैक्लीरी टू द गेट, क्योंकि इवांस के वेश में सॉरी मैक्लीरी के अपीयरेंस में गया ना इवांस, तो कहता आपने ही तो कहा था कि उसे छोड़ा तो मैं छोड़ने गया था। इस तरह की कन्फ्यूज़न चल रही थी। चैप्टर पढ़ोगे तब अच्छे से पता लग पाएगा बेटा, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो लास्ट पॉइंट आपका हमारा जो था मैं उस पर थोड़ा टच करती हूँ। मैक्लीरी चला गया कार्टर के साथ, इवांस चला गया मैक्लीरी की अपीयरेंस में, ठीक है, इवांस चला गया मैक्लीरी की अपीयरेंस में, कार्टर चला सॉरी मैक्लीरी चला गया कार्टर के साथ है, और गवर्नर ने मैसेज भेज दिया पुलिस स्टेशन में कि भाई उसे ढूंढ लो। और जो गवर्नर के पास कॉल आता है कार्टर का, कार्टर जो चीफ सुपरिटेंडेंट है, कि उन्होंने उसे एडमिट करा दिया मैक्लीरी को हॉस्पिटल में। तो उसको गवर्नर को लगता है कि चलो मैं मैक्लीरी का हालचाल पूछ लेता हूँ, सो ही कॉल टू रेडक्लिफ, उसने रेडक्लिफ में कॉल किया, ठीक है, रेडक्लिफ निमो हॉस्पिटल, ठीक है, रेडक्लिफ में कॉल किया। देन दैट लेडी टोल्ड हिम, उस जो वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट थे उसने बताया कि वहाँ पर कोई नहीं था। देखो ये पॉइंट था कि हमने एम्बुलेंस भेजी थी लेकिन जब हम वहाँ पर गए तो कोई नहीं था, आदमी जैसे गायब हो गया था। अब गवर्नर को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था, और ये बात जानने के बाद तो बिल्कुल समझ आ गया कि जब मैक्लीरी का फ्लैट चेक किया गया 15 मिनट बाद, उसने ऑर्डर दिया कि मैक्लीरी का फ्लैट चेक करके आओ, तो फ्लैट चेक किया तो मैक्लीरी वहीं पे था। इसका मतलब जो एग्ज़ाम लेने के लिए आया था वो मैक्लीरी रियल मैक्लीरी नहीं था, वो मैक्लीरी रियल मैक्लीरी नहीं था। आप समझिए कि वो कौन था, ठीक है। अब इंक्वायरीज इन न्यूबरी थ्रू आउट द आफ्टरनून, अब न्यूबरी में इंक्वायरी चल रही है,
पूरी दोपहर वहाँ पे, दोपहर के बाद इंक्वायरी हो रही है कि न्यू बरी में सारी जगह को ढूंढा जा रहा है, चेक किया जा रहा है। अब न्यू बरी को ही क्यों ढूंढा जा रहा है, ये भी रीज़न सुनिए हम जो पढ़ चुके हैं पहले। एक फोटोकॉपी शीट जो उसके क्वेश्चन पेपर पे पेस्टेड थी, प्लान वॉज रिटन ऑन दैट, उसके ऊपर प्लान लिखा हुआ था। क्या प्लान था? प्लान ये लिखा हुआ था कि एल्सफील्ड वे से, ये दो तीन प्लेसेज है नाम याद रखना, कि एल्सफील्ड वे से तुम जाना राउंड हेडिंगटन राउंड अबाउट, हेडिंगटन राउंड अबाउट से तुम जाना न्यू ग्रेवन की तरफ, न्यू ग्रेवन। तो गवर्नर ने अंदाज़ा लगाया है कि न्यू ग्रेवन वो एक कोड वर्ड है, यहाँ पे न्यू बरी कहना चाह रहा है जो भी प्लानर है, तो इसलिए वो सोच रहे हैं कि इवांस न्यू बरी में गया है, तो वो उसे न्यू बरी में ढूंढ रहे हैं। ठीक है, नथिंग एट ऑल, लेकिन वो चेकिंग से उन्हें कुछ नहीं मिला। एंड बाय टी टाइम एवरी वन इन द प्रिजन न्यू व्हाट हैपेंड। अब चाय के टाइम तक, मतलब 3-4 बजे तक हर किसी को पता चल चुका था कि क्या हुआ था, क्या हुआ था। इट हैड नॉट बीन इवांस इम्परसोनेटिंग मैक्लेरी, ये बात बहुत ध्यान से समझना बेटा, कि वो इवांस नहीं था जो मैक्लेरी, इम्परसोनेटिंग होता है अपीयरेंस बनाना, ठीक है, रिजाम्बलिंग इन द अपीयरेंस ऑफ मैक्लेरी, इन द अपीयरेंस ऑफ मैक्लेरी। ठीक है, तो कहे कि वो इवांस नहीं था जो मैक्लेरी की अपीयरेंस में चला गया था, हु हैड वॉक्ड आउट, इट हैड बीन इवांस, वो इवांस ही था जो मैक्लेरी के वेश में, इम्परसोनेटिंग मैक्लेरी, मैक्लेरी के वेश में, हु हैड स्टेड इन, जो जेल के अंदर रुका हुआ था। ठीक है, अब बात को समझे, जो उसने स्टीफन ने देखा था ना, जो चेयर पे इंसर्ट सिचुएशन में पड़ा था, उसने क्या समझा था कि वो मैक्लेरी है, पहले तो इवांस ही समझा था, लेकिन बाद में उसने देखा बाल मैक्लेरी के जैसे हैं, तब उसे लगा कि मैक्लेरी है, वो मैक्लेरी नहीं था, वो इवांस ही था। और जिसको बाहर छोड़ के आया था ना, जिसे बाद में गवर्नर कह रहा था कि इवांस को छोड़ाया तो नहीं, वो मैक्लेरी ही था। गॉट इट? चलिए, अब वो कैसे किया, देखो मैक्लेरी की आवाज़ वो कैसे निकाल पा रहा था, तुम्हें पता इमिटेशन बहुत अच्छी करता था, तो जो इंजर्ड होके, इंजर्ड ये वो जो है अपीयरेंस दे के, इंजर्ड का वहाँ पे जो है उसको पागल बना के कि वो भाई घायल है और उसको चोट लगी हुई है, इस तरह से जो अपीयरेंस दे के वो बोल रहा था, वो इवान से ही बोल रहा था, क्योंकि मिमिक्री बहुत अच्छी करता था, इमिटेशन बहुत अच्छी करता था। अब सीन एकदम से हो गया चेंज, यहाँ पे सीन आ गया बेटा रियल इवांस का, ध्यान से समझना। अब ये रियल वाला इवांस है जो कि भाग चुका है जेल से। द फिश एंड चिप्स वर डिलीशियस एंड आफ्टर अ जेंटल स्ट्रोल राउंड द सेंटर ऑफ चिपिंग नोर्टन, देखो प्लेस कहाँ है, चिपिंग नोर्टन, वो उसे कहाँ ढूंढ रहे हैं, न्यू बरी में ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो है कहाँ पे, चिपिंग नोर्टन में। चलिए अब आगे बात समझिए, वो कहता है कि फिश और चिप्स ना बड़े टेस्टी थे, डिलीशियस टेस्टी, जनरल स्ट्रोल, स्ट्रोल का मतलब होता है वॉक, ऐसे घूम घाम के चिपिंग नोर्टन के अंदर। और इवांस डिसाइडेड टू रिटर्न टू द होटल, अब इवांस डिसाइड करता है चलो होटल में चलता हूँ, एंड हैव एन अर्ली नाइट, और जल्दी ही जो है रात होने से पहले मैं सो जाता हूँ, रेस्ट करता हूँ। अ स्मार्ट न्यू हैट कंसील्ड द रेकिज ऑफ हिज क्लोजली क्रॉप्ड हेयर, एक बड़ी स्मार्ट सी उसने हेड डाली हुई है, दैट हाइड, कंसील्ड का मतलब होता है बेटा हिड, कंसील्ड है तो यहाँ पे आपकी सेकंड फॉर्म बन जाएगी हिड, दैट हिड द रैकेज ऑफ हिज, रैकेज यहाँ पे है बेटा अपीयरेंस ऑफ, ठीक है, क्लोजली क्रॉप्ड हेयर, जो से गंदे से बाल कटे हुए बिल्कुल पास से, उन बालों को छुपा रही है वो हेड, मतलब हेड डाली ताकि उसके बालों को कोई ऑब्जर्व ना कर पाए। ठीक है, एंड ही कैप्ट इट ऑन एज ही वॉकड अप टू द रिसेप्शन डेस्क ऑफ द गोल्डन लाइन, देखो होटल का नाम देखना। अब वो जब चला जा रहा है वहाँ रिसेप्शन डेस्क के पास से, ही कैप्ट इट ऑन, उसे कंटिन्यू रखता है जो है, चला जा रहा है रिसेप्शन डेस्क से गोल्डन लाइन हॉस्पिटल की तरफ से, उसने उसे हेड को तब भी डाला हुआ ही है। एंड इट वुड टेक अ गुड वाइल फॉर हिज हेयर टू रिगेन इट्स फॉर्मर ग्लोरी, उसके बालों को अपनी फॉर्मर ग्लोरी गेन करने में ना अभी कुछ टाइम लगेगा, राइटर कहता है, क्योंकि पहले उसके बाल बड़े लंबे थे तो उसने कट कर लिए थे। बट द हेल डिड दैट मैटर, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी मैटर नहीं करती कि उसके बाल छोटे हैं या बड़े हैं, दैट डजंट मैटर, वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, देखो यहाँ से है, ठीक है, दैट डजंट मैटर, ही वॉज आउट अगेन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फिर से जेल से बाहर था, वॉजंट ही, और क्या था, नहीं बिल्कुल था। अब बिट ऑफ बैड लक, हालांकि वो याद कर रहे हैं कि थोड़ा सा बैड लक हुआ, व्हेन जैक्सन हैड पिंच्ड हिज सीजर्स, ये बहुत बुरा हो उसके साथ है कि जब जैक्सन उसकी सीजर्स उठा ले गया, पिंच्ड टेकन, हैड टेकन हिज सीजर्स,
देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखना, सीजर नहीं है, सीजर्स हैं। कभी भी जो पेयर वाले नाउन वर्ड्स होते हैं, जो कि पेयर वाले मतलब जिनके दो पार्ट्स होते हैं, द नाउन वर्ड्स नाउन थिंग्स विच आर हैविंग टू पार्ट्स, जिनके कि दो पार्ट होते हैं, वो हमेशा प्लूरल में लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया सीजर्स। दूसरी बात करें ट्राउजर्स, क्या होता है ट्राउजर्स। तीसरी बात करें पैंट्स, पैंट की दो टांगे होती है ना, तो वो दोनों टांगे मिलके ही तो पैंट बनती है, तो पैंट नहीं पैंट्स होता है, ट्राउजर्स होता है। टोंग्स, चिमटे की बात करें ना, चिमटा, तो वो टोंग्स होता है, ठीक है। तो इस तरह से है यहाँ पे कि वो याद कर रहा है कि थोड़ा सा तो गड़बड़ हो गई थी जब जैक्सन ने उसकी सीजर ले ली थी। फॉर इट हैड मीन्ट अ लॉन्ग एंड ट्रिकी ऑपरेशन विद हिज ओनली रेजर ब्लेड द प्रीवियस नाइट। हालांकि इट हैड मीन्ट अ लॉन्ग एंड ट्रिकी ऑपरेशन, हालांकि उसका एक बड़ा लंबा और ट्रिकी, बड़ा डिफिकल्ट ऑपरेशन हो गया था उसका सिर्फ रेजर ब्लेड से, उसने पहले वाली रात को जो किया। आप समझ गए होगे क्या किया, कि जो उसने बाल काटे ना बेटा अपने बाल, वो किससे काटे हैं उसने, वो काटे उसने रेजर से, ठीक है, रेजर से किया उसने। चलिए बट ही हैड हिज गुड लक, लेकिन उसका लक भी था, बैड लक था तो गुड लक भी था। जस्ट थिंक इफ जैक्सन हैड मेड हिम टेक हिज बोबल हैट ऑफ, कि अगर जैक्सन उसे बोल देता उसकी हैट उतारने के लिए, याद है ना जो मिस्टेक की थी मैंने बताया था, स्टीफन ने अलग गलती की, जैक्सन ने अलग की, गवर्नर ने अलग की, तो जैक्सन की मिस्टेक देखो यहाँ पे कह रहा है वो, कि अगर वो उसे उसकी बोबल हैट, बोबल जिसपे फुंदे लटक रहे होते हैं, उस हैट को उतारने के लिए कह देता तो, सॉरी हाँ, उस हैट को उतारने के लिए कहता तो फ्यू, छी छी छी, इस तरह से बात कर रहा है। दैट रियली, ये कंटेम्प्ट वाली फीलिंग होती है फ्यू, ठीक है। दैट रियली हैड बीन अ क्लोज कॉल, ठीक है, क्लोज कॉल का मतलब है मीन्स रियली टू बी ट्रैप्ड, नियर टू बी ट्रैप, बिल्कुल जाल के पास था। एंड स्टिल ओल्ड जैक्सन वॉज नॉट सच अ बेड फेलो, और अपने आप में याद करता है कि सच में जो जैक्सन है वो इतना बुरा इंसान भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब अब वो चला जा रहा है जो क्या नाम उसका इवांस, और अपने उस सिचुएशन को याद कर रहा है। गोल्डन लाइन होटल में पहुंच चुका है, जो करेक्शन थी, करेक्शन स्लिप, उसका मेन पर्पस था उसे क्या बताना, होटल का नाम बताना। क्लियर हो गया होगा ना आपको। अच्छा, वो सिर्फ मिसगाइड करने के लिए था, ही वॉज नॉट इन न्यूबरी, ही वॉज इन चीपिंग नॉर्टन, दैट पर्टिकुलर शीट, ठीक है, जो पेस्टेड शीट थी, द मेन पर्पस ऑफ दैट शीट टू मिसगाइड गवर्नर, उसका मेन पर्पस सिर्फ गवर्नर को मिसगाइड करना था। ही विल फाइंड देवर फाइंडिंग इन न्यूबरी बट ही वॉज इन द चीपिंग नॉर्टन, ठीक है। चलिए, इस तरह से चला जा रहा है, होटल में पहुंच चुका है, अब देखिए आगे क्या होता है। चलिए क्लियर है भाई, वो कैसे ना कैसे बच के जो है वहाँ से निकल गया। अभी हमने बात की थी क्लोज गोल, द ट्रेन ही हैड बीन अ क्लोज गोल, वो सच में मतलब क्लोज गोल का मतलब एस्केप फ्रॉम द डेंजर, ये आपका idiom है वैसे, एस्केप फ्रॉम डेंजर, ठीक है, खतरे से एकदम से बच के निकल जाना। तो वो उसका खतरा ही था कि उसने हैड उतारने के लिए बोल दिया, और सच में फिर वो उस खतरे से बच गया। तो कहता है कि जैक्सन इतना बुरा भी नहीं है। अब देखिए, वन ऑफ द वर्स्ट थिंग फनी एंड रियली, सबसे बुरी चीज़ एक ही थी, ये सारी उसकी थिंकिंग चल रही है इवांस की जब वो होटल की तरफ जा रहे हैं। वन ऑफ द वर्स्ट थिंग, सबसे बुरी चीज़, फनी भी थी रियली, हैड बीन द बियर्ड, वो सबसे ज़्यादा फनी चीज़ थी उसकी क्या, बियर्ड, दाढ़ी। ही हैड ऑलवेज बीन एलर्जिक टू स्टिकिंग प्लास्टर, हमेशा जो उसे चिपचिपी चीज़ों से, स्टिकिंग पेस्टिंग, जो पेस्टिंग प्लास्टर होते हैं, थिंग्स होते हैं, उनसे एलर्जी है इवांस को। एंड इवन नाउ ही चिन वॉज इरीटेटिंगली सोर एंड रेड, और अब भी ऐसा ही है, उसकी चिन जो है वो इरीटेटिंग, बहुत ज़्यादा खुजली से बिल्कुल सोर हो चुकी हैं और रेड हो चुकी हैं, ठीक है। सोर से मतलब यहाँ पे इट्स इरीटेटिंग एंड अ लॉट ऑफ एलर्जिक रेडिश अपीयरेंस हो रही है वहाँ पे, ठीक है, घाव हो चुका है हल्का हल्का और रेड हो चुकी है। रिसेप्शनिस्ट वॉज नॉट द सेम गर्ल, यहाँ पे बात को समझना, रिसेप्शनिस्ट अब वो सेम गर्ल नहीं है हु हैड बुक्ड हिम इन, कि जब उसने होटल रूम बुक कराया था तब थी, बट द चेंज वॉज डेफिनेटली फॉर द बेटर, लेकिन जो चेंज था वो बड़ा अच्छा था, मतलब अच्छे से, मतलब यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट वॉज वेरी प्रिटी देन द प्रीवियस वन, ठीक है, जो अब सेकेंड रिसेप्शनिस्ट थी वो ज़्यादा सुंदर थी पहले वाले से। एज ही कलेक्टेड हिज की, उससे उसने की ली, एंड ही गेव हर इज बेस्ट स्माइल, उसकी तरह स्माइल करता है, टोल्ड हर ही वुड नॉट बी बॉदरिंग विद ब्रेकफास्ट, वो कहता है उसे ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं चाहिए कल सुबह। ऑर्डर द डेली एक्सप्रेस, सिर्फ ऑर्डर देता है किसकी, न्यूज़पेपर का ऑर्डर देता है कि भाई डेली एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जरूर भिजवा देना, भाई उसको जानना भी तो है कि आप पुलिस क्या करेगी।
अच्छा, आस्ड फॉर एन अर्ली मॉर्निंग कॉल एट 6:45, उसे कहते हैं भी 6:45 पे उसे कॉल कर दें, उसे जगा दें, एंड टुमारो वॉज गोइंग टू बी अनदर बिजी डे, कल फिर काफ़ी बिजी दिन होने वाला है। ही व्हिसल सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही वॉक्ड अप द ब्रॉड स्टेयर्स, बहुत छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं, उसे ऊपर चढ़ा जा रहा है, सीटी बजाया जा रहा है, इंजॉय कर रहा है। ही हैड शॉर्ट ऑफ लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रेस्ड अप एज अ मिनिस्टर डॉग कॉलर एंड एवरीथिंग, वो उसकी जो अपीयरेंस है वो उसको ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि सारा सब कुछ बिल्कुल मिनिस्टर के जैसे, ठीक है, बिल्कुल मिनिस्टर के जैसे ड्रेसअप करना, पार्सन के जैसे, पादरी के जैसा, जैसे डॉग कॉलर डालना, डॉग कॉलर जो लंबे वाला कॉलर होता है, ठीक है, डॉग कॉलर समझते हो ना, एवरीथिंग और सारे जो पैराफेर्नेलिया मिनिस्टर जैसा, उसे बड़ा अच्छा लगा। यस इट हैड बीन अ जोली गुड आइडिया फॉर मैकलीन, मतलब वो अपने मन में ही खुश हो रहा है कि सच में बहुत अच्छा आइडिया था मैकलीनी का, टू वियर टू ब्लैक फ्रंट्स, आ गया ना वही बात पे कि वो दो ब्लैक फ्रंट डाल के आया, दो कॉलर डाल के आया, एंड दैट टॉप कॉलर, और वो टॉप कॉलर फ्यू, अरे बड़ी मतलब टेंशन वाली बात थी। इट हैड कैप्ट ऑन स्लिपिंग ऑफ द ब्लैक स्टड, जो पीछे वाला बटन था, स्टड होता है बटन, मतलब स्टड बटन भी नहीं कह सकते, एक बिल्कुल जो बिल्कुल आप कहें क्लोज नेक वाला जो कोट होता है ना, उसके अंदर होता है वो स्टड, जो पूरा बंद हो जाता है, वो कोट को बंद कर देता है, तो वो बैक स्टड, तो पीछे वाले स्टड से वो जो है वो नीचे नीचे स्लिप कर रहा था। एंड देयर हैड बीन वन पैनिकली मोमेंट व्हेन मैकलेरी हैड जस्ट गॉट हिज हैंड अप टू हिज नेक इन टाइम टू स्टॉप द कॉलर स्प्रिंगिंग अ पार्ट ऑफ बिफोर स्टीफन्स, अब याद आया कि वहाँ पे मैकलेरी जो है थोड़ा टर्न होके बैठा था, तो टर्न होके बैठने का और उसका एक फिंगर वहाँ पे उसके नेक पे थी, कॉलर पे थी, तो उसका यही था कि इट हैड बीन देयर हैड बीन वन पैनिकली मोमेंट, बड़े पैनिक वाला फियर वाला मोमेंट आ गया था जब मैकलेरी ने जल्दी से अपना हाथ वहाँ पे ऊपर किया कॉलर के ऊपर, जो स्प्रिंग नीचे की तरफ फिसल रहा था, अलग हो रहा था, ताकि स्टीफन देखे उससे पहले ही। दे हैड गॉट दैट लिटल प्रॉब्लम वर्कड ऑल आउट ऑल राइट, हालांकि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रही, अपने मन में सोच रहा है वो कि हालांकि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई लेकिन सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। दो अ पेन स्टक इन द माउथ वेन एवर द एविल आई हैड अपियर्ड एट द पीपॉल, और वो अपनी परेशानी को भी बताता है कि कितना जो है प्रॉब्लम होती है कि जब आप सिर्फ कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ मुंह में पैन डाल के बैठे हैं, जब आपको जो एविल आई, किसको बोल रहा है, स्टीफन को, जब कोई दुश्मन आपको देख रहा हो पीपॉल से, तो कितना मुश्किल होता है। एंड बट ऑल दैट ना फिडलिंग अबाउट अंडर द ब्लैंकेट विद द ब्लैक फ्रंट, मतलब ब्लैंकेट का पर्पस भी समझ आ गया होगा आपको कि जो सवारी सब कुछ जो फिडलिंग करना मूवमेंट बिल्कुल ब्लैंकेट के नीचे, ब्लैक फ्रंट को डालना, स्टड पीछे वाला जो स्टड है उसको अच्छे से सेट करना, कॉलर को लगाना, भाई ड्रेसिंग एक पार्सन के जैसे करने, मिनिस्टर के जैसे करने, वो भी ब्लैंकेट के नीचे की, तो कितना मुश्किल था। दैट हैड बीन फार मोर डिफिकल्ट देन दे हैड एवर बार्गेन फॉर, जितना उन्होंने सोचा था, बार्गेन फॉर का मतलब थॉट फॉर, जो उन्होंने सोचा था ना उससे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था ब्लैंकेट के नीचे सब कुछ करना। एवरीथिंग एल्स हैड गोन ब्यूटीफुली स्मूथली, लेकिन अब कोई टेंशन नहीं है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई। दो इन द कार ही हैड फाउंड एवरीथिंग दे हैड प्रोमिस्ड, कार में उसे वो सब कुछ मिल गया जो उसे प्रोमिस किया गया था, सोप एंड वाटर, साबुन, पानी, क्लोथ्स, मैप, एंड यस मैप, हाँ मैप बहुत ज़रूरी है, द ऑर्डिनेंस सर्वे मैप ऑफ ऑक्सफोर्ड शेयर, जो ऑर्डिनेंस सर्वे मैप है ऑक्सफोर्ड शेयर का, वो वाला मैप बहुत ज़रूरी है। ही हैड गॉट सम गुड फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स सच में बहुत अच्छे हैं, सम वेरी क्लेवर फ्रेंड्स, बहुत अच्छे, क्राइस्ट वही भगवान, बहुत अच्छा हुआ। मतलब एक तरीके से यहाँ पे राइटर ने हमने उसकी सारी प्लानिंग बता दी, अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, ध्यान से समझना, प्लानिंग क्या बताई, देखो जो उसने हमारे मन में जो अब तक जो सस्पेंस बना हुआ था वो सारा सस्पेंस उसने क्लियर कर दिया। पहली चीज़ जो सस्पेंस क्लियर किया कि उसने जो अपीयरेंस ली मैकलेरी की जैसी कहाँ पे ली, अंडर द ब्लैंकेट, क्लियर, कहाँ पे ली, अंडर द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट के नीचे, ठीक है। दूसरा हम अगर सोचें कि वहाँ पे जो उसको ये कैसे पता चला कहाँ पे जाना है, तो ये उसे पता चला करेक्शन स्लिप से, ठीक है। अच्छा वो कपड़े उसके पास कहाँ से आए, ये क्लियर पहले भी हो चुका था, वो स्लिम इसलिए लग रहा था क्योंकि वो डबल ड्रेस्ड होके आया था, मैकलेरी जो आया था मैकलेरी डाल के आया था, डबल ड्रेस्ड होके आया था, और उसको फिर उसने कहा था सारे कपड़े दे दिए और उसने डाल लिया। अच्छा मैप का क्या रोल था, सबसे बड़ी बात सुनिए, अब देखो उसे वहाँ पे साबुन वगैरह मिल गया अपनी अपीयरेंस को चेंज करने का, भी उसने उसके जैसी बियर्ड मैकलेरी के जैसे जो लगाई थी वो भी हटाई, जो ब्लड लगा हुआ था वो ब्लड भी साफ़ किया उसने सारा, ठीक है ना, तो इस तरह से उसे साबुन वगैरह भी मिल गया, कपड़े भी मिल गए दूसरे। अच्छा उससे भी बड़ी बात यहाँ पे फिर आ गई, मैप का क्या रोल था, मैप का रोल था यहाँ पे, आगे वो बताएगा भी,
गवर्नर बताएगा आपके सामने, मैप का रोल था उसको अपने डेस्टिनेशन का पता लगाना, उस पर्टिकुलर प्लेस का पता लगाना कि उसे कहाँ जाना है। वो आगे मिस्ट्री डिस्क्लोज होगी, मैं अभी नहीं बता रही वहाँ से, इसलिए उसे मैप का भी पता लगा, मैप पे भी हेल्पफुल रहा जो उसे गाड़ी में अवेलेबल भी हो गया। ओके, ऐसे सोचते सोचते कहाँ जा रहा है, अपने बेडरूम की तरफ। आप आगे देखेंगे, कल करेंगे कि अब बेडरूम में वो पहुँचता है तो क्या होता है, ठीक है, वो कल करेंगे। ओके बेटा, यहाँ तक बस ऐसे ही है, जो जितने भी मिस्ट्री थी वो सारी आज डिस्क्लोज होगी। अगर किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आए तो प्लीज़ पर्सनली मैसेज कर देना, थोड़ा सा टिपिकल है यहाँ पे आके चैप्टर, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन, बी हैप्पी, स्टे हेल्दी।